हेलो गाइस, तो ये रही आपकी माइनक्राफ्ट की सेकंड वीडियो। तो जैसा कि आपको पता होगा कि पिछले वीडियो में हमने ये घर बनाया था, बहुत ही सिंपल सा घर है, लेकिन मुझे पता है कि ये यार सर्वाइवल है और इसमें टाइम तो लगता है सबके लिए। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी होगी तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, तो प्लीज़ उसे चेकआउट करना, वरना ये वीडियो आपको कुछ समझ नहीं आएगी। तो चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। और आज का खास ये है कि हम आज माइनिंग करने वाले हैं, तो उसके लिए पहले थोड़े से एक्स पिकेक्स बना लेते हैं। ओ सॉरी, ये रही। अच्छा, स्टिक्स लगेंगे ना? स्टिक्स स्टिक्स तो है नहीं, तो स्टिक्स भी बनाने पड़ेंगे। ये रहे स्टिक्स। इतने स्टिक्स काफ़ी रहेंगे मतलब यार। तो चलिए अब हम ये बना देते हैं पिकेक्स। एक और बना लेता हूँ, ज़रूरत पड़ेगी शायद। तो मैं सोच रहा हूँ कि पहले ये सब जो है, मतलब अपने सराउंडिंग में जो भी कोल बिल है वो जमा कर लूँ। एक सॉर्ड, ज़ोंबी भी आएगा तो सॉर्ड भी ले लेते हैं। एक एक पत्थर की बना देता हूँ सॉर्ड। ये रही। तो ये वुड की क्या करो यार, लेके ये रख देता हूँ। ये भी नहीं चाहिए। थोड़ी सी टॉर्च, हाँ ये चार ही बनी है। नहीं यार, चार नहीं, चलो इतनी काफ़ी है। तो इतना सामान काफ़ी है। खाना ले लिया, पिकेक्स ले लिए, टॉर्च। और चलिए आगे बढ़ते हैं आज माइनिंग के लिए। तो मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ ऊपर ही ढूंढू कोल के लिए, तो अभी तो कोल ही चाहिए। ओके, तो चलिए कोल ढूंढते हैं अब। ये रहा, ये मिल गया कोल। कोल ढूंढना बहुत आसान है यार, कोल जल्दी मिल जाता है। अभी तो और प्रोग्रेस करना है, आयरन वीरन। और हाँ गाइस, पिछले वीडियो का जो सीन हुआ था उसके लिए माफ़ कर देना। वो बैंडिकैम मैं पहली बार यूज कर रहा था, तो मुझे पता नहीं था कि वीडियो पॉज करने से वीडियो कंप्लीट हो जाती है उसमें। तो इस बार वैसा गलती नहीं होगा, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। तो उसी के साथ कोल मिल चुका है बहुत। कितना हो गया? ओ, 20। चलिए और है क्या? नहीं, तो आगे बढ़ते हैं। पर चेक करेंगे थोड़ा यार, वैसे ये जगह मस्त है घर बनाने के लिए। वो रहा सामने, यस गॉट कोल। और दोस्तों, अगर आपको पता होगा कि माइनक्राफ्ट में जल्दी प्रोग्रेस कैसे करते हैं, तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बता देना यार। मुझे पता नहीं है कि जल्दी प्रोग्रेस कैसे करते हैं माइनक्राफ्ट में। और एक बात है, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि दूसरों के वीडियो से देख कर क्यों सीखें, अपनी खुद की ऑडियंस है यार। आप मुझे इतना प्यार देते हो, इतना सपोर्ट करते हो मुझे, तो आप बता देना कुछ ट्रिक्स और टिप्स हो तो, जिससे कि आपको और इंटरेस्टिंग वीडियोस मिल सके आगे। कुल कितना होगा? ओ, 50 के आसपास तो ऐसे ही हो जाएगा यहाँ। हो जा जल्दी, हो जा जल्दी, हो जा। ये पिकेक्स वैसे स्लो काम करती है, पत्थर की है। तो जब अगली वीडियो में हम माइनिंग करने जाएंगे, क्या
केव्स के अंदर, तो वो शायद मिल सकता है हमें आयरन, जिससे कि काम जल्दी हो जाए। ओके तो ये मिल चुका है कोल। ओके फिनिश। और कहीं है क्या? एक बार चेक कर ले हमारा घर कहाँ है, वरना पता चले सब कुछ मिल गया लेकिन घर ही नहीं मिला। ये रहा कोल, थोड़ा और मतलब कोल की कुछ कमी है ही नहीं है, माइनक्राफ्ट के डेवलपर्स के कोल की फैक्ट्री है। जब चाहे कोल बना लिया, जब चाहे निकाल दिया, मजा है यार। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन सही बोल यार, गेम एकदम मतलब खतरनाक है। जब मैंने पहली बार देखा था दोस्त के घर मेरे, तो इसके ग्राफिक्स देख के बहुत बुराई की थी मैंने इसकी। यस, तो जब उसने मुझे वो बोला, मतलब यार तो एक बार खेल के देख, तो ठीक है, मैंने भी बोला ठीक है यार एक बार दे दे। और जब खेलना शुरू किया भाई, आई वॉज एडिक्टेड टू इट। ओके कोल मिल चुका है, कोल रख देते हैं थोड़ा। ओके गाइस, तो चलिए और कोल ढूंढने के लिए चलते हैं। यार गुफा, कोई वो सामने कुछ दिख रहा है केव जैसा। खुद भाई पानी में। अरे हाँ, यहाँ शिप मारी थी मैंने। समझ आ गया समझ आ गया, यहाँ तो नहीं है कुछ, कोई नेचुरल केव मिल जाए। ओहो क्या चमक रहा है, देखो दरवाजा हमारा। मजा आ गया यार। चलो रात हो रही है, घर में जाते हैं, सोते हैं, खाते हैं, फिर सुबह उठ के काम पे लगते हैं। गुड नाइट, डी स्लीप टाइट। तो दिन हो चुका है। ओके चलिए, थोड़ा कोल ढूंढते हैं। उसे कोल ने मतलब कोल मिल गया है, थोड़ी नेचुरल केव्स मिल जाए ना, तो अंदर जाए के माइनिंग करके मजा आ जाए। ओहो ये क्या है, एक बार चेक करता हूँ। कौन है बेटू? ओए भाई, ओ कौन है तू? मॉब है क्या? ए रुक, ए यार क्या है ये, जाने दो, होगा कुछ भी, क्या होना है हमें। तो ये खाएंगे चिकन। यहाँ तो लगता नहीं मिलेगी कोई नेचुरल केव, तो बाहर ढूंढते हैं, घर के आसपास ही मिल जाएगी शायद। माउंटेन्स पे भी मिलती है ना। यार सोच रहा हूँ घर के लिए ना, चलो वो बाद में कर देंगे। जहाँ देखो वहाँ तालाब मिलते हैं यार, क्या है मतलब ये? ओह नो शेट, मिले कि नहीं शायद आज, देखते। ओह और नीचे भी है। ओह बहुत कोल यहाँ तो। यस कोल मिलना चाहिए यार, कोल के वजह से बहुत काम होते, खाना पकता है जल्दी जल्दी। वैसे तो आप वुड से भी पका सकते हो, मगर अगर कोल होगा ना